नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है। तो राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर जो राजस्थान में लगभग 5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट है इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि मुझे अपडेट मिली है कि जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है इसके फॉर्म शुरू नहीं होने का क्या कारण है, तो आज हम इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपको यहाँ पर इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड आइकन का बटन क्लिक करके उस पर उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको आगे भी इसी प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो राजस्थान में लगभग 5 लाख स्टूडेंट है और जो वैकेंसी होने वाली है वह 10,000 या 10,500 के लगभग जो वैकेंसी है वो होने वाली है। और इसके साथ ही जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती थी उसको पहले नियमित या संविदा पर निकाला नहीं गया था और अभी इसको है जो है नियमित कर दिया गया है। जो उपेन यादव है छात्र संघ के अध्यक्ष, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। इसके साथ ही जो और बाकी स्टूडेंट है उन्होंने भी साथ मिलकर जो काफ़ी दिनों तक इसका संघर्ष किया। और इसके बाद में जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने हैं इसकी जो संविदा पर निकाल कर इसको नियमित या रेगुलर जो वैकेंसी है वो कर दी है। तो अब इसके साथ ही जो फॉर्म शुरू नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह क्या हो सकता है, अभी सभी को पता होगा। जिस प्रकार से जो राजस्थान सरकार है हमेशा अपने कार्यकाल पूरा करने और इसके साथ ही जो तमाम जो नई नई घोषणाएं हैं वह इनके कोई बड़ा कुछ जो आगे चुनाव आने वाले हैं उसके टाइम पे करते हैं, या फिर अभी जो वैकेंसियाँ चल रही है RS की हो गई, SI की हो गई, पटवारी की हो गई, पहले इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा, उसके बाद में जो इसके फॉर्म शुरू होने की जो संभावना है वो बन सकती है। इसके साथ ही और कोरोना के जो केस है वापस से सितंबर या अक्टूबर के बाद में है जो कोरोना बढ़ सकता है उसके लिहाज से भी इसके फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं। और क्या क्या कारण हो सकते हैं मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, और यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।